आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट नोटिस आप सभी को बताऊंगा। प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एक न्यू एग्ज़ाम फिर आ चुका है जिसका नाम है रामान्या फाउंडेशन। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम में भाई क्या होती है, क्या कुछ मिलेगा, इसमें कैसे फॉर्म भरना है और इसका फॉर्म का अंतिम डेट कब है, एग्ज़ाम कब होगा, कहाँ सेंटर पड़ेगा, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग नॉलेज रखेंगे। तो चलिए, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप सभी को आने वाले क्लास सिक्स से लेकर टेंथ तक के जितना भी एग्जाम होगा मैं आप सभी को सारा एग्जाम का अपडेट बताता रहूंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, चलिए हम इस एग्जाम के बारे में जानते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस एग्जाम को जो भर सकता है फॉर्म इसका, ये भर सकता है सिक्स से लेकर, ठीक है, हम आप सभी को बता दें पहले कि सिक्स से लेकर टेंथ तक के बच्चे इस एग्जाम के फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम के फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या होना चाहिए, चलिए हम सारा कुछ समझते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो है एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है, इसको आप लोग को फॉर्म इसका आ चुका है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, रामान्या प्रतिभा छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है और ये न्यू है। ठीक है, तो आप लोग को कैसे ऑनलाइन करना है, चलिए इसको हम लोग आज के इस वीडियो में समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर जो न्यू रजिस्ट्रेशन है इस पर ही आप लोग को क्लिक कर देना है। ठीक है, अप्लाई नाउ इसी पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद कहता है अप्लाई ऑनलाइन, तो आप लोग को अप्लाई ऑनलाइन शुरू कर देना। ठीक है, तो देखिए कैसे कैसे आप लोग अप्लाई कीजिएगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आया, यहाँ पर स्टेट आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा अपना। तीन स्टेट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के। ठीक है, तो देखिए हम बिहार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट ने बाबा यहाँ पर अपना नाम भर देना है, जो भी आप लोग का नाम होगा तो यहाँ पर आप लोग अपना नाम भर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को अपना नाम भर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को अपना डेट ऑफ बर्थ भर लेना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भरिएगा, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भर लीजिएगा। मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी भर लीजिएगा। ईमेल आईडी भरने के बाद यहाँ पर अपने पिता का नाम, यहाँ पर माता का नाम और आप किस जेंडर से आते हैं, आपका लिंक क्या है, मेल फीमेल, ठीक है, भर लीजिएगा। स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट, आपका कौन सा जिला है, ठीक है, ये भी भर लीजिएगा। और ये जो देखिए प्यारे बच्चों, बच्चे एक और आप लोग मैं बता दूं कि सेंटर आप लोग को कहाँ कहाँ पड़ेगा ये भी बताऊँगा। स्टूडेंट ब्लॉक, ब्लॉक आपका कहाँ है ये भी भर लीजिएगा। स्टूडेंट एड्रेस कहाँ पर आपका है, एड्रेस डाल लीजिएगा। यहाँ पर कहता है डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी में आप लोग को मतलब आप दिव्यांग हैं या अदिव्यांग, मतलब दिव्यांग नहीं है। ठीक है, तो स्कूल टाइप आप लोग भर लीजिएगा। कैटेगरी किस कैटेगरी से आते हैं, ईबीसी, ओबीसी, जनरल, एसटी। ठीक है, स्कूल टाइप क्या है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट स्कूल है, ये भी जान लीजिएगा। उसके बाद स्कूल का नाम दे दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद स्टूडेंट आप किस क्लास में, 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे भर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को बोर्ड सेलेक्ट करना है कि कौन बोर्ड है, बी एस बी आप लोग जैसे बिहार बोर्ड के हैं तो BSEB सेलेक्ट कीजिएगा, कोई MP से होंगे तो MP बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट आधार कार्ड दीजिएगा या फिर स्कूल आईडी दीजिएगा। स्कूल आईडी मतलब आइडेंटिटी कार्ड जो आपका होता है वो दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग आधार दे दीजिएगा, डॉक्यूमेंट नंबर दे दीजिएगा मतलब आधार नंबर आप लोग दे दीजिएगा। उसके बाद आप लोग रिव्यू ऑल डिटेल कर लीजिएगा। ठीक है, रिव्यू ऑल डिटेल करने के बाद आपको आगे सबमिट कर देना होगा। ठीक है, बस सबमिट कर दीजिएगा। देखिए हम एक बार कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप लोग सबमिट पर जाइएगा तो आप लोग को यहाँ पर कुछ अमाउंट भी देना पड़ेगा, तो आप लोग दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, आप लोग को यहाँ पर 200 रुपया का अमाउंट देना पड़ेगा, तो आप लोग 200 रुपया दे दीजिएगा, इसके लिए कोई बात नहीं है। तो आप लोग 200 रुपया देकर प्रोसीजर कर आप पेमेंट कटा दीजिएगा, बस आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और आप लोग का जो एग्ज़ाम या जो फॉर्म का लास्ट डेट है वो है 31 अक्टूबर तक। ठीक है, आज ही फॉर्म डेट है, फॉर्म भरने का जो डेट है ये रिलीज हो चुका है, फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, तो आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। और आप लोग को जो पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा क्या क्या, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना, इसकी तैयारी भी हम करवाएंगे। आप लोग फॉर्म भरिए सारे बच्चे।